हमने देखा था कि सेगमेंट रिपोर्टिंग में याद है सबको कि हम लोगों को कब एक रिपोर्टिंग, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 यानी सेगमेंट रिपोर्टिंग का किस तरह यूज़ करते हैं ये तो देख लिया था। हमने आपको बताया था कि दो तरह के सेगमेंट में हम लोग अपने टोटल बिजनेस को बाइफर्केट करते हैं। पहला जो रिपोर्टिंग का सेगमेंट होता है दैट इज नोन बिजनेस सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? बिजनेस सेगमेंट। और दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा जियोग्राफिकली सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? जियोग्राफिकल सेगमेंट। अच्छा, जो बिजनेस सेगमेंट होता है उसके बारे में एक मिसलीडिंग मिथ्स होती है दिमाग में, कहीं ना कहीं मिथ्स है कि जो बिजनेस सेगमेंट होता है वो हमारा होता है भाई बताओ प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। लेकिन मैंने बताया था कि ये हमारा हो सकता है प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, ऑटोमेटेड या मैनुअल, ब्रांच वर्सेस फ्रेंचाइजीज, याद आया होगा। जी हाँ, ये मैंने अपने बिजनेस सेगमेंट को बाइफर्केट किया था। इन द सेम वे जरा देखो तो मैंने जियोग्राफिकल सेगमेंट को भी बाइफर्केट किया था, या तो करेंसी के बेसिस पर या तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बेसिस पर, हाँ या ना, या फिर एरिया के बेसिस पर, ऑपरेशनल एरियाज के बेसिस पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट या बाइफर्केट किया था। दैट वॉज ओवर। और उसके मैंने बात बताया था कि ये सोचना गलत हो जाएगा आप लोगों का कि केवल प्राइम बिजनेस सेगमेंट में बांट लिया या फिर केवल जियोग्राफिकल सेगमेंट में बांट लिया, दैट इज मोर देन अनफ। नाउ वी हैव टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईदर 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 यस बिजनेस और जियोग्राफिकल। दिमाग से निकाल दें, दिमाग से निकाल दें, आपको दोनों के बेसिस पर अपनी रिपोर्टिंग करनी है। जियोग्राफिकल बेसिस पर भी आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है और बिजनेस सेगमेंट के बेसिस पर भी आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। बाइफर्केशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सेगमेंट को बांट लें। बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है, बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है या फिर आपका जियोग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी है, दोनों में से एक प्राइमरी होगा और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी। दोनों में से एक आपका प्राइमरी होगा और दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी। बताया था ना ये चीजें। तो इसके आगे हम लोगों ने जरा देखा था, देखें क्या देखा था। हाँ, मैंने ये बताया था कैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट्स के बीच में बाइफर्केशन करेंगे। मैंने ये भी बताया था कैसे हम अपने बिजनेस को प्राइमरी सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे रिपोर्टिंग करनी है प्राइमरी में और कैसे रिपोर्टिंग करनी है सेकेंडरी में। मैंने बताया था अगर मेरा डोमिनेंस बिजनेस सेगमेंट का है, अगर मेरा डोमिनेंस, कॉपी पलट कर देख लें, अगर मेरा डोमिनेंस बिजनेस सेगमेंट का है प्रोडक्ट और सर्विस का, तो प्राइमरी सेगमेंट होगा मेरा बिजनेस सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट होगा मेरा जियोग्राफिकल सेगमेंट। मैंने फिर आगे बताया था कि अगर हमारा डोमिनेंस जियोग्राफिकल है तो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा बिजनेस। मैंने बताया था अगर दोनों मेरे प्राइमरी हैं, दोनों में डोमिनेंस है तो दोनों को प्राइमरी मान लो, सेकेंडरी इज नथिंग। लेकिन जब हम ये बता ही नहीं सकते कि प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा, तो उस केस में हम बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मानते हुए चलते हैं। याद आ गया होगा, ये भी मैंने डिस्कस किया था क्लास में अच्छी तरह से। इसके बाद हमने बताया था हाउ टू डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। हाउ टू डिटरमाइन, सबसे पहले तो मेरे सामने समस्या आई थी कि कैसे हम ये तय करें कि कौन सा सेगमेंट मेरा रिपोर्टेबल है, बिकॉज आई हैव सो मेनी सेगमेंट, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स।
और दीज ऑल टाइप ऑफ सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल। अगर मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूं तो क्या 10ों प्रोडक्ट्स का अलग अलग सेगमेंट रिपोर्टिंग करना जरूरी है क्या? ये तय करना हम लोग को कुछ बेसिस पर निर्भर करता है, यानी हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। और उसमें पहला मैंने टेस्ट बताया था क्वालिफाइंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट बताया था? क्वालिफाइंग टेस्ट। दूसरा कौन सा टेस्ट बताया था? एसेट टेस्ट। क्यों ना? दूसरा कौन सा टेस्ट बताया था? मैनेजमेंट च्वाइस। तीसरा कौन सा टेस्ट बताया था? 75% टेस्ट। ये तीन टेस्ट मैंने बताए थे। जो फर्स्ट टेस्ट बताया था उसमें था रेवेन्यू टेस्ट, कम से कम 10%, याद आया होगा। रिजल्ट टेस्ट, कम से कम 10%, वो भी याद आया होगा। और तीसरा मैंने बताया था एसेट टेस्ट, वो भी 10%, ये भी याद आया होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम लोगों ने बात की थी इन टेस्ट के बाद, क्वालिफाइंग टेस्ट के बाद, इसके बाद मैंने तुरंत आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, मैंने बताया था कि हो सकता है कोई सेगमेंट एसेट टेस्ट पर नॉन रिपोर्टेबल हो सकता है कोई सेगमेंट रेवेन्यू बेसिस पर भी नॉन रिपोर्टेबल हो, लेकिन अगर वो सेगमेंट हमारा रिजल्ट टेस्ट पर रिपोर्टेबल है बेटा, कहीं भी एक जगह रिपोर्टेबल हो गया तो आपको उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट मानना पड़ेगा। दिमाग में अब ये दो बातें जो मैंने इंपॉर्टेंट कहीं, उनको कहीं बैठा लो। पहला मैंने कहा, कोई भी टेस्ट में आपका पॉजिटिव आया, मींस ब्लड टेस्ट नहीं, कोई भी टेस्ट में, चाहे वो एसेट टेस्ट, रेवेन्यू टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट, किसी एक में अगर आप रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट में बांटना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जब हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सबसे लास्ट में देखेंगे, एट दैट टाइम इट विल हेल्प अस आउट, अदरवाइज आर सेगमेंट रिपोर्टिंग विल बी फ्रूटलेस। बिना किसी रिजल्ट के आप देंगे, इसका मतलब आपका AS17 का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। चले, इसके आगे मैंने बताया था मैनेजमेंट च्वाइस। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को अपने बुक्स में शो करना है, सेगमेंट रिपोर्टिंग देनी है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है, तो आप उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बना दो। दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस और च्वाइस डन बाय मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन मैंने थर्ड बताया था 75% टेस्ट। मैंने कहा था कि जितनी भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगी, मैं कितने भी प्रोडक्ट में, कितने भी एरियाज में माल बेचूं, कम से कम जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं वो टोटल सेल का, एक्सटर्नल सेल का ये रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% कम से कम कवर करते हों। अगर हमारा ये टेस्ट फेल्योर कर जाता है, यानी टोटल सेल का 75% रिपोर्टेबल सेगमेंट में टोटल नहीं आ पाया, तो बेटा जो नॉन रिपोर्टेबल आप बनाए हो ना, उसमें से कुछ ना कुछ निकालते जाओ, और तब तक निकालते जाओ जब तक कि एटलीस्ट 75% टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का न हो जाए, केवल एक्सटर्नल सेल्स का। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, और मैंने उस समय डिस्कस किया था। बेसिकली होता क्या है कि जब हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, ढंग से सुनेंगे आप, जब हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हमको क्या ख्याल आएगा कि रेवेन्यू का मतलब मैं क्या लूं। रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल, इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेल। रेवेन्यू का मतलब मैं क्या लूं, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब यहां पर टोटल सेल से है या एक्सटर्नल सेल से है या इंटरनल सेल से है। ये तो तय है कि रेवेन्यू का मतलब हम लोग इंटरनल सेल से ना लेकर के एटलीस्ट एक्सटर्नल सेल से तो लेंगे ही लेंगे। इंटरनल सेल क्या पार्ट बनेगा हमारे रेवेन्यू का? मैं बता दूं, बिल्कुल पार्ट बनेगा। जब भी हम रेवेन्यू सेगमेंट की बात करेंगे, तो वहां पर रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल से लिया जाएगा,
इंटरनल सेल्स को भी हम लोग शामिल करते हैं, याद रखना, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सर इसमें आपने कौन सी नई चीज़ बता दी, जरा देखें जो नई चीज़ बताने जा रहे हैं। जब हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता है, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करेगा। सेगमेंट रेवेन्यू शामिल करेगा डायरेक्ट रेवेन्यू को, अच्छी बात है। सेगमेंट रेवेन्यू शामिल करेगा इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को, मालूम है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की रेवेन्यूज को शामिल करता है। और सेगमेंट रेवेन्यू शामिल करेगा एलोकेटेड रेवेन्यू को, ठीक। लेकिन रेवेन्यू सेगमेंट शामिल नहीं करेगा, सेगमेंट क्या नहीं शामिल करेगा, अनएलोकेटेड रेवेन्यू। सेगमेंट रेवेन्यू का अगर हो तो वो शामिल नहीं करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। सेगमेंट रेवेन्यू शामिल नहीं करेगा एक और चीज को, वो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इनको शामिल नहीं करेगा। चले सेगमेंट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। सेगमेंट के एक्सपेंसेस में हम लोग कौन कौन से एक्सपेंसेस को शामिल करेंगे और कौन से एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करेंगे, क्या इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड करेंगे। अगर हमको अपने बिजनेस का सेगमेंट रिजल्ट पता करना हो तो इनकम में से क्या लेस किया जाता है, एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस को लेस करना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस को छोड़ देना है, जरा देखें। पर्टिकुलर सेगमेंट के एक्सपेंसेस को आप शामिल कर लेंगे, इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस को भी आप शामिल कर लेंगे, एलोकेटेड एक्सपेंसेस को भी आप शामिल कर लेंगे, लेकिन अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को हम शामिल नहीं करेंगे। हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को भी शामिल नहीं करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी अपने एक्सपेंसेस में नहीं शो करेंगे। याद रखेंगे आप लोग, टैक्स को भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंसेस दोनों चीजें हो गई। अब आती है बात सेगमेंट एसेट की, किसकी, क्या चीजें इंक्लूड करें, बोलो ना, और क्या चीजें एक्सक्लूड करें। हम डायरेक्ट कोई एसेट होगी पर्टिकुलर सेगमेंट की वो शामिल करेंगे, लेकिन कोई कॉरपोरेट एसेट होगी तो शामिल नहीं करेंगे। हाँ अगर कोई एलोकेटेड एसेट्स है तो हम शामिल करेंगे, लेकिन अगर कोई एडवांस टैक्स या डेफर्ड टैक्स एसेट है तो हम शामिल नहीं करेंगे। हाँ गुडविल अगर है तो हम उसको शामिल करेंगे, लेकिन ये गुडविल वही होगी जो रीजनेबल बेसिस पर पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कैलकुलेट की गई। तो हम लोगों ने देखा सेगमेंट रेवेन्यू, हम लोगों ने देखा सेगमेंट एक्सपेंसेस, हम लोगों ने देखा सेगमेंट एसेट। सेगमेंट रेवेन्यू में डायरेक्ट रेवेन्यू ले लो,
सेगमेंट रेवेन्यू में इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ले लो, सेगमेंट रेवेन्यू में एलोकेटेड रेवेन्यू ले लो, लेकिन अनएलोकेटेड रेवेन्यू को आप हटा देंगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को शामिल नहीं करेंगे, आप इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम को शामिल नहीं करेंगे एज अ रेवेन्यू। अगर हम सेगमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो जो कॉमन खर्चे होते हैं उनको तो कभी नहीं लिया जाता, तो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को आप एक्सक्लूड कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को आप एक्सक्लूड कर देंगे, टैक्स को तो हटाना ही है, टैक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ओवर हियर, लेकिन हाँ क्या शामिल करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस को और एलोकेटेड एक्सपेंसेस को। अच्छा, अगर एसेट्स की बात की जाए तो डायरेक्ट एसेट्स कोई हो, कैलकुलेटेड या एलोकेटेड या रीजनेबल बेसिस पर गुडविल अमाउंट जो कैलकुलेशन होती है वो आ जाएगी सेगमेंट एसेट्स में। क्या नहीं आएगा, कॉरपोरेट लेवल की जो एसेट्स होती हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती हैं या एडवांस टैक्स का कोई अगर पोर्शन हो, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेबल। अच्छा, तो सेगमेंट लायबिलिटी भी होगी जिस तरह इनकम के साथ एक्सपेंसेस, एसेट के साथ लायबिलिटी। अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होगी, जो हमारी एलोकेटेड या डायरेक्ट लायबिलिटी होगी केवल वही शामिल किया जाएगा, टैक्स प्रोविजन को शामिल नहीं किया जाएगा, कॉरपोरेट लायबिलिटीज को शामिल नहीं किया जाएगा, दैट्स इट। इतनी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, लिख दूं? क्या क्या शामिल करेंगे, कोई डायरेक्ट लायबिलिटी है, कोई एलोकेटेड लायबिलिटी है, अच्छा कोई कॉरपोरेट लायबिलिटी है। कॉरपोरेट लायबिलिटी, कॉरपोरेट एसेट्स का मतलब होता है जो एज अ होल एज अ कंपनी किया गया हो, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हम बांट नहीं सकते उसको। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो, दैट्स इट। ये चीज़ें इंक्लूड और ये चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंसेस, सेगमेंट एसेट्स एंड सेगमेंट लायबिलिटी के कैलकुलेशन में। हटा रहा हूँ, नोट कर ले। चलें आगे, एक और क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपकी स्टडी मैट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा देखें क्या है इस क्वेश्चन में। भाई फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर सुंदर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st of March 2011, है ना। सेल्स इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट सेल्स, फूड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग, हेल्थ एंड साइंटिफिक अदर्स। एक्सपेंसेस की बात करें, फूड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग, हेल्थ एंड साइंटिफिक अदर्स आइटम्स की, जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। आइडेंटिफिएबल एसेट्स में है फूड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक एंड साइंटिफिक्स,
हेल्थ एंड साइंटिफिक एंड अदर्स, कुल मिलाकर हमको यही चार सेगमेंट तो नज़र आ रहे हैं, फूड सेगमेंट, प्लास्टिक सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट एंड अदर्स। क्यों चलें? आइडेंटिफिएबल एसेट्स हैं फूड की, प्लास्टिक की, हेल्थ की, अदर्स की, जनरल कॉरपोरेट एसेट्स हैं, अदर इन्फॉर्मेशन है, ओहो अदर इन्फॉर्मेशन जरा ढंग से देखें, रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, ऊपर जो दिया था इन्फॉर्मेशन रुपीज़ इन लैक्स है, जो ऊपर हम लोगों ने अभी तक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी सेल्स और एसेट्स की और एक्सपेंसेस की, कॉरपोरेट एसेट्स की, वो सारी की सारी रुपीज़ इन लैक्स थी, अंडरलाइन कर लेंगे उस चीज़ को। लेकिन जब हम इंटर सेगमेंट सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो रुपीज़ इन थाउजेंड दिया हुआ है। फूड प्रोडक्ट्स 120, प्लास्टिक, हेल्थ एंड अदर्स इंटर कंपनी सेगमेंट्स हैं, इंटर सेगमेंट सेल्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड्स 66 ऑन इंटर सेगमेंट सेल्स, दैट्स इट। सॉल्यूशन नंबर 4, हम क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। फूड, प्लास्टिक, हेल्थ, अदर्स एंड टोटल, बस ना? ये चार हमको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, फूड, प्लास्टिक, हेल्थ एंड अदर्स, एंड दिस इज आवर टोटल कॉलम। सेल्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों दी हुई हैं हमारे पास, क्योंकि नीचे देखिए अदर इन्फॉर्मेशंस में इंटर सेगमेंट सेल्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हमारी टोटल सेल्स ऊपर में शामिल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। 10,000, 1240, 690 एंड 364, टोटल कम्स टू 12,294। अब आप लोग एक काम करेंगे, हमको इसमें से इंटर सेगमेंट सेल्स हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी शामिल है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं 10% की लिमिट्स या टेस्ट करते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट, तो उसमें वो शामिल होता है, परसेंटेज और रिजल्ट। आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है वो आप बता सकते हैं, किसके बेसिस पर? रेवेन्यू सेगमेंट के बेसिस पर। अच्छा, दूसरा आता है हमारा रिजल्ट टेस्ट। तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे यहाँ सेल्स की जगह हम लोगों ने लिखा था रेवेन्यू, क्लियर है? रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट क्या है? अच्छा, हमको तो रिजल्ट दिया नहीं है, हमको सेल्स दिया है और एक्सपेंसेस दिया है। अदर आइटम्स जनरल हैं, कोई मतलब नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कोई मतलब नहीं है। जरा देखें अदर आइटम्स, अभी अभी मैंने जो ब्रैकेट्स बनवाए थे, अभी भाई मैंने कहा था कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं। अरे अगर पर्टिकुलर किसी सेगमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर निकालना हो, उसमें इंटरेस्ट का क्या काम? इंटरेस्ट तो पूरे बिजनेस का होता है, हटाओ उसको। अरे टैक्सेस का क्या काम? हटाओ उसको, हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। एक और चीज़, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम हो या इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो, दोनों का मतलब एक है, हाँ या ना? इसी तरह एक्सपेंसेस, जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस, कॉरपोरेट एक्सपेंसेस का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को तो एलोकेटेड एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए ना, ठीक। चलो सबसे पहले अब हम रिजल्ट निकालते हैं। सर रिजल्ट कैसे निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कुछ ऐसे, नोट, वर्किंग नोट,
रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितनी है इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर, ये वर्किंग नोट में बना रहा हूँ, दिमाग में ये बात बैठा लें। माइनस एक्सपेंसेस कौन कौन से शामिल करेंगे, वो तो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, टेंशन क्या लेना इसमें। 7170 800 440 ओके एंड 400, दिस इज आर रिजल्ट। आ तो गया रिजल्ट, 36 निगेटिव, 46 ये आ जाएगा, 440 एंड 2830। तो हम लिख सकते हैं रिजल्ट 2830, 440, 246, क्लियर है। इस वर्किंग नोट को आप नोट कर लें। बताएं कितना आया, परसेंटेज में बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं। मैंने ये भी बताया था अब आप लोगों को, ये हटा रहे हैं अब तो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी रिजल्ट की बात करेंगे तो हायर ऑफ द प्रॉफिट्स और लॉस वुड बी टेकन एज बेस। तो हमें बट ऑब्वियस से दिख रहा है हायर कौन है, प्रॉफिट, टोटल आ गया 3516, परसेंटेज ले लें इसका, ये अगर 100% है तो बाकी कितने होंगे। दैट कम्स टू 80.4%। इसका परसेंटेज तुम लोगों ने निकाला ही होगा, बताना मत गलत बताओगे। 81.34%, दैट इज योर 10.08%, 5.61% एंड 2.96%। यस यस नो एंड नो। यस रिपोर्टेबल सेगमेंट है, 10% से अधिक है, नो एंड नो। हम लोगों ने ये दो चीज़ें निकाल ली। अब थर्ड आती है एसेट, डायरेक्ट एसेट्स हैं दी हुई हैं, जरा बताएं कितना कितना है। आइडेंटिफिएबल एसेट्स 15,096 गिवेन है, 4,000, 1,400 एंड 1,364। परसेंटेज में बता सकते हैं, बताएं। परसेंटेज में बताएं भाई, टोटल कितनी आ गई, 15,096, 4,000, 1,400, 1,364, 21,860। 100% अगर ये है बेटा तो हमें हर एक का अलग अलग बताओ ना। सिक्सटी नाइन पॉइंट जीरो फाइव, 18.29%,
6.40% एंड 8.73। कुछ तो गड़बड़ हो गया ना। रिपोर्टेबल कौन कौन सा है जरा बताएं हमको रिजल्ट। यस यस नो नो। कॉन्क्लूजन क्या निकला? तीनों में यस है, तीनों में यस है। नो नो नो, तीनों में नो है, नो तीनों में नो है। इसके बाद हम चेक करेंगे 75% टेस्ट। मैनेजमेंट कम से कम इतने सेगमेंट को तो रिपोर्ट जरूर करेगा जो उसकी टोटल सेल के 75% की रिपोर्टिंग जरूर देती हो। बताओ कितने रिपोर्ट हो गए? 11,240। यस और यस, 11,240 75% को कवर कर रहा है। 9,000 से ऊपर है, आपका आंसर ओके है। 75% टेस्ट को करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। नोट करें आंसर। हटा रहा हूं इसको अब। हम लोगों ने सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, खत्म कर ली। नहीं, अब बचा हुआ है लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मैंने शुरू में ही बता दिया था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। दैट्स वाई वी आई एम्फेसाइज्ड इनिशियली दैट वी हैव टू बाइफर्केट आर सेगमेंट ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन अ क्लियर कट मैनर बिकॉज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। दैट वॉज द मेन कॉज। अब अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोगों ने डिस्क्लोजर देना है तो प्राइमरी डिस्क्लोजर कैसे देंगे? अगर हम लोग को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो मैंने दो पार्ट में सेगमेंट को बांटा था, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो अगर हम प्राइमरी डिस्क्लोजर दें तो किन किन चीजों के बारे में देना पड़ेगा ये आपको याद रखना है। कितने पॉइंट्स हैं? पहला, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट। तीसरा तो आप लोग की अपने आप मुंह से निकल रहा होगा, सेगमेंट एसेट। जब एसेट आया तो साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई सेगमेंट एसेट्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने पिछले साल कुछ परचेस किया है तो वो भी आप बताओ ना, किस सेगमेंट में कितने रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर या कौन सी कैपिटल एसेट खरीदी है। सेगमेंट एसेट
के साथ साथ लायबिलिटी तो जुड़ी ही हुई है। ये आपको डिस्क्लोज करना है। डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश आइटम्स, नोट। नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इफ कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared। नोट करें, ये आपका प्राइमरी डिस्क्लोजर था। ये कौन सा डिस्क्लोजर है? प्राइमरी। थोड़ा जल्दी करेंगे। हटा रहे हैं बाबू इसको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ये प्राइमरी डिस्क्लोजर के 7 पॉइंट थे। अब जानते हो हमको करना क्या है? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का। फॉर्मेट की वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किस तरह से हमको डिस्क्लोज करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, इन 7 पॉइंट्स को लेकर के। मैंने हेडिंग दे दी है डिस्क्लोजर फॉर्मेट, और मैं मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं कि आपका 3 सेगमेंट है। कितना सेगमेंट है? एक्स वाई एंड जेड। एक मैंने लिख दिया एलिमिनेशन का और ये है टोटल। सर ये एलिमिनेशन क्या है, मुझे यही बताना है। बच्चों टेंशन ना लो कि ये एलिमिनेशन क्या है और क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहला आता है सेगमेंट रेवेन्यू या रेवेन्यू सेगमेंट, इंटरनल सेल प्लस एक्सटर्नल सेल। आप एक्सटर्नल को ऊपर रखेंगे, बोलें क्लियर है? इंटरनल सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स। मैंने कहा आप एक्सटर्नल को कहाँ रखेंगे? ऊपर रख दें। और सारा एलिमिनेशन का काम बस इसी इंटरनल सेल्स को लेकर के है। आपने यहाँ 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 अमाउंट लिख दिया टोटल। जब इंटरनल सेल्स की बारी आएगी, यहाँ 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 अमाउंट लिखेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये है हमारा टोटल। चलिए सेगमेंट रेवेन्यू के बाद, अच्छा ये एलिमिनेशन किया क्यों, थोड़ी देर बाद हम लोग कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें स्पेशली बताया जाएगा कि एलिमिनेशन का पर्पस क्या है। उसके बाद मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एलिमिनेशन को समझाया गया होगा। फिलहाल अभी आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली
कि सेगमेंट रेवेन्यू में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेल्स को लिखते हैं एलिमिनेशन को लेते हुए फिलहाल। सेगमेंट रिजल्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सेगमेंट रेवेन्यू के बाद सेगमेंट रिजल्ट की। और रिजल्ट का मतलब होता है, तुम लोग को अच्छी तरह मालूम होता है, नेट प्रॉफिट या लॉस। किसकी किसका मतलब होता है? प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वो रिजल्ट है जो आपका बिजनेस शो कर रहा है टोटल। ये वो रिजल्ट है जो आपका बिजनेस शो कर रहा है टोटल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये वो सेगमेंट रिजल्ट है जो हम लोगों को मालूम है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इस रिजल्ट में जरा ध्यान दो तो, हमने एक्सपेंसेस और इनकम में से कुछ चीज़ें हटाई थी हम लोगों। मैंने सेगमेंट रेवेन्यू लिया था, सेगमेंट एक्सपेंसेस लिया, सेगमेंट रिजल्ट आया। जो सेगमेंट रेवेन्यू लिया था उसमें इंक्लूड तो किया था, लेकिन एक्सक्लूड कुछ चीज़ें की थी, इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम को हम लोगों ने शामिल नहीं किया था। जबकि टोटल कंपनी के रिजल्ट में तो इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम शामिल होती है ना। तो क्या इस सेगमेंट रिजल्ट में वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम शामिल है? नहीं ना, प्लस कर दो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। पक्का? हाँ या ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हम लोगों ने हटा दिए थे ना। अब चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर, जैसा केस हो वैसा लग जाएगा रूल, कोई दिक्कत। हम लोगों ने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हटा दिया था, एक्सक्लूड किया था उस खर्चे को, खर्चा नहीं लिखा था, आपको वो खर्चा लिखना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें? टैक्स भी तो लेस करोगे तभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहुंचोगे भाई, बोलो ना। ये आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। ये क्या हैं? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से आपको अपनी बैलेंस शीट के साथ सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी है। सेगमेंट रिजल्ट के बाद हम आएंगे सेगमेंट एसेट्स पे। सेगमेंट एसेट्स में क्या क्या चीजें शामिल करेंगे? सेगमेंट एसेट्स में क्या क्या शामिल करेंगे चीजें? 1, 2, 3। जब मैंने सेगमेंट एसेट्स के बारे में डिटेल बताई थी तो मैंने उसमें से एक्सक्लूड कर दिया था अनएलोकेटेड एसेट्स या कॉरपोरेट एसेट्स। आप एक काम करो, प्लस कर दो कॉरपोरेट एसेट्स। आ गया ना टोटल एसेट्स। सेगमेंट एसेट्स के बाद सेगमेंट लायबिलिटी ने लिखकर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं। एक्वायर्ड ड्यूरिंग ईयर, बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद सेगमेंट लायबिलिटी भी तो लिखते हैं। सेम वही कंसेप्ट, सेगमेंट एसेट्स की तरह जिस तरह था वो ऐड कर लें, प्लस कर दें कॉरपोरेट लायबिलिटी या अनएलोकेटेड लायबिलिटी।
सिंपल है, करना क्या है, कुछ नहीं, जो लिखा है वो तो लिखो, जो छोड़ दिया था उसको भी लिख लो। रिपोर्टिंग यही बन रही है हमारी, डिस्क्लोजर फॉर्मेट यही होता है हम लोग का। अच्छा, इन सब को लिखने के बाद हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन और लास्ट आता है हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंसेस। दिस इज आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इस फॉर्मेट को आप बड़े ही आराम से नोट करेंगे और कहीं डाउट होगा तो पूछेंगे जरूर, नोट करें। नोट हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन नंबर 5। प्रिपेयर अ सेगमेंटल रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफाइज लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनीज 3 डिवीजन एंड द हेड ऑफिस। 3 डिवीजन्स हैं। फॉगिंग शॉप डिवीजन, पहला डिवीजन है, बोलो फॉर्म, पहला डिवीजन है फॉगिंग शॉप डिवीजन, सेकेंड है ब्राइट बार डिवीजन एंड द थर्ड डिवीजन इज फिटिंग डिवीजन। ये 3 डिवीजन्स हम लोग को दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमको करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ने से तो हमको ये लगता है कि हमको सेगमेंट रिपोर्ट, प्रिपेयर सेगमेंटल रिपोर्ट, मैंने कहा ना कि अब जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेसिकली उस रिपोर्ट को शो करेगी जो रिपोर्ट हम लोग को एक्चुअली में देनी पड़ती है। दिमाग में ये जा रहा होगा एक क्वेश्चन आप लोगों के, पूछा नहीं किसी ने, सर ये सेगमेंट रिपोर्ट अगर अब हम लोग बना रहे हैं तो अब तक हम लोग कर क्या रहे थे? जो हम लोगों ने बनाया था अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या बनाया था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। हम उन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। तुमको आइडेंटिफाई किया, तुमको आइडेंटिफाई किया, उन दोनों को छोड़ दिया, तुमको आइडेंटिफाई किया, इन दोनों को छोड़ दिया, ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। अब जो सेगमेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट देनी है उसको हम कहेंगे सेगमेंटल रिपोर्ट। जो अब सेगमेंट हम लोगों ने क्या किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, यानी नॉन आइडेंटिफाइड को तो अलग रखो लेकिन आइडेंटिफाइड सेगमेंट सेगमेंट्स को हमको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उन रिपोर्टेबल सेगमेंट के बारे में हमें ये फॉर्मेट बनाना है जिसको हम कहेंगे सेगमेंटल रिपोर्टिंग।
तीन फॉर्मेट दिख रहे होंगे, तीन सेगमेंट दिख रहे हैं, फॉगिंग शॉप डिवीजन, ब्राइट बार डिवीजन, फिटिंग डिवीजन, बस। अब सबसे पहले तो हम रेवेन्यू सेगमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, और इसमें आएगा एक्सटर्नल। याद होगा हम लोगों ने एक और बनाया था एलिमिनेशन, और ये है टोटल। क्लियर है यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा, फॉर्मेटिंग में तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेल किया है सेल टू ब्राइट बार डिवीजन, फॉगिंग ने ब्राइट को सेल किया है, कितना है बता सकते हो, 4575 की सेल, ये इंटरनल सेल है। अदर डोमेस्टिक ठीक है, एक्सपोर्ट बाहरी है, यानी ये इंटरनल नहीं है, तो 90 एक्सटर्नल है, 6135 ये एक्सटर्नल है, 6225 प्लस 4575 10800। आगे देखें, ब्राइट बार डिवीजन की सेल, सेल टू फिटिंग डिवीजन कितना है भाई, 45, इंटरनल हो गया ना, इसने सेल किया है फिटिंग को, इंटरनल सेल है, और बाकी 300 है। और देखिए फिटिंग डिवीजन टोटल आउटसाइड में है, 270 टोटल आउटसाइड है एक्सटर्नल। और कुछ दिया है क्या, टोटल करें, सिक्स सेवन नाइन फाइव, एलिमिनेशन में आ जाए इंटरनल वाला, करना कुछ नहीं रहता, केवल टोटल करके यहाँ एलिमिनेशन का साइन आ जाता है, दैट्स इट। दैट इज द वे, यानी टोटल इंटरनल वाला एलिमिनेट कर दिया, इतना हमारा एक्सटर्नल है, टोटल मिला लो तो ये सबका टोटल आ जाएगा। चलो भाई ये तो हमारा हुआ रेवेन्यू का, और ये तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट थे हमारे। रेवेन्यू सेगमेंट के बाद सेगमेंट रिजल्ट्स की बात आती है, किसकी बात आती है, रिजल्ट में देखें तो प्री टैक्स दिया हुआ है हमारे पास प्रॉफिट 240 एंड 30 एंड 12 लॉस, लिया है कि नहीं दिया है भाई, देखो आगे दिया क्या है, किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी, हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड, रीएलोकेशन करके दिया है, अच्छा ये वो कॉस्ट है जो रीएलोकेट करके दिया है, और प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया है, क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, जरा देखिए गिवन इंडिविजुअली कितना कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है रिजल्ट में 240 फॉर्गिंग, 30 ब्राइट, और लॉस शायद दिया हुआ था 12, टोटल कर लें 70 258। इसके आगे और इन्फॉर्मेशन देखें, जरा देखें, तो उस समय मैंने बताया था जब हम सेगमेंट रिजल्ट को बताते हैं तो रिजल्ट में तो हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, पूरे बिजनेस का रिजल्ट चाहिए होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लाना होता है ना, यहाँ पर ये मेरा रिजल्ट सेगमेंट का फॉर्मेटिंग था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लाना, लेकिन ये तो हमारा प्री ऑप प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से कॉस्ट दी हुई है एचओ की, कितनी दी है 72 36 और 36, कितना होता है टोटल हो गया हमारा 144, कितना प्लस अनएलोकेटेड
44 क्या था भाई? कॉस्ट है ना, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस माइनस हो गया। और क्या है, क्या दिया हुआ है अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस के बाद? इंटरेस्ट कॉस्ट 16 दी हुई है, माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट, टोटल कितनी दी है? 16। पक्का? क्या टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में? नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा जो रिजल्ट, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमें टैक्स के बारे में क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। टोटल बताओ कोई। रिजल्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, अलग अलग एसेट्स दी हुई हैं। फिक्स्ड एसेट्स ज़रा देखें, 75 हेड ऑफिस की, 360 180, और क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट के बाद नेट करेंट एसेट यानी वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया है वर्किंग कैपिटल जरा देखें, 180 60 एंड 135, 195 180 375। और तो हमें नहीं लगता कुछ दिया होगा, और कुछ नहीं दिया है। टोटल करें 950। यहां तो कोई दिक्कत, ये तो सेगमेंट की एसेट्स को हमने एक जगह लिख दिया। याद करो मैंने बताया था, जब सेगमेंट की एसेट्स को एक जगह लिख देते हैं, हमें तो टोटल बिजनेस का चाहिए ना, टोटल बिजनेस। तो टोटल बिजनेस कैसे पता चलेगा? एसेट्स प्लस अनएलोकेटेड एचओ का, अनएलोकेटेड शायद दिया हुआ था क्वेश्चन में, हाँ हेड ऑफिस का 75 और 72 दिया हुआ है ना, 147 टोटल एसेट्स आ गए। ये मेरा एसेट सेगमेंट बन गया। अच्छा सर जी, हम लोगों ने तो रेवेन्यू भी बना लिया, रिजल्ट भी बना लिया, एसेट्स भी बना लिया, अब कौन सी सेगमेंटल रिपोर्ट देनी है भाई, बोलो। अब हमें देना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस साल आपने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है मालूम है क्वेश्चन में? नहीं मालूम, छोड़ दें। क्या लायबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है? ऐसे ही कॉपी कर लें, सेगमेंट लायबिलिटी। आप लोग सेगमेंट सेगमेंट वर्ड जोड़ देंगे, लायबिलिटी दी है 30 15 एंड 180, 30 15 एंड 180, 225। अच्छा प्लस अनएलोकेटेड दिए क्या हेड ऑफिस की? 57। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। 275 दैट इज योर। इस तरह से हमको रिपोर्ट बनानी, और बहुत ही आसान है। मैंने उसी समय बताया था इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंटरनल एक्सटर्नल टोटल सेल्स लेते हैं, जो हमारी इंटर सेल्स होती हैं, इंटर सेगमेंटल सेल्स, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में हम लोग जो हमारे सेगमेंटल एसेट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो तो लिखते ही हैं। अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर यहाँ इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड होती तो वो भी हम जोड़ देते। अच्छा यहाँ पर अगर हमें टैक्स दिया होता तो भी हम लेस कर देते, कॉरपोरेट एक्सपेंडिचर दिए होते तो वो भी हम लेस कर देते, नहीं दिए हुए हैं तो हम क्या करें। एसेट्स में फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल दिया है, वो सेगमेंटल की अपनी अपनी एसेट्स हैं, प्लस अनएलोकेटेड एसेट्स दी हैं वो जोड़ लिया, लायबिलिटीज़ भी इसी तरह से।
इस क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक हम लोग को करना है। केवल हम लोगों ने प्राइमरी सेगमेंटल रिपोर्ट तो बना ली, अब हमें सेकेंडरी सेगमेंटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद इस चैप्टर से हम लोग का रिश्ता नाता खत्म। नोट करें, तो अब हमारा काम क्या है, कौन सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखना सेकेंडरी। सर ये क्या बना रहे हैं आप, अगर आपका प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, अगर आपका प्राइमरी सेगमेंट जियोग्राफिकल है, केस नंबर 3 अगर आपका प्राइमरी सेगमेंट जियोग्राफिकल है तो क्या। सर ये दो दो जियोग्राफिकल कैसे, ये है लोकेशन ऑफ कस्टमर और ये है लोकेशन ऑफ एसेट्स। जब भी हम जियोग्राफिकल सेगमेंट को बाइफर्केट करेंगे वो हमारा डोमिनेंस फिर से उसमें देखना पड़ेगा। अब तक हम डोमिनेंस देख रहे थे बिजनेस सेगमेंट डोमिनेंट है या जियोग्राफिकल सेगमेंट डोमिनेंट है, अगर जियोग्राफिकल सेगमेंट डोमिनेंट है फिर देखो एसेट वाइज बांट रहे हो या कंज्यूमर वाइज बांट रहे हो। अगर एसेट वाइज है तो लोकेशन ऑफ एसेट, अगर कंज्यूमर वाइज है तो लोकेशन ऑफ कस्टमर। तो अब बताओ कि डिस्क्लोजर क्या होगा। हमें मालूम है वो सातों पॉइंट जो मैंने बताए, वो सात पॉइंट जो मैंने बताए और वो सात पॉइंट अलग अलग रेफरेंस में तीनों के, प्रॉब्लम किसकी आ रही है, सेकेंडरी सेगमेंट कौन है, जियोग्राफिकल। क्या है सेकेंडरी सेगमेंट, क्या होगा जियोग्राफिकल, सेकेंडरी सेगमेंट क्या होगा बोलो भाई, बिजनेस बिजनेस।
अगर हमारा प्राइमरी ज्योग्राफिकल है तो सेकेंडरी बिजनेस, अगर प्राइमरी ज्योग्राफिकल है तो प्राइम सेकेंडरी बिजनेस, अगर प्राइमरी बिजनेस है तो सेकेंडरी ज्योग्राफिकल, इनके लिए डिस्क्लोज़र्स क्या देंगे। बस अब इन सेकेंडरीज की बात हो रही है, सारा लफड़ा केवल इन्हीं तीन के बारे में है। ढंग से सुनेंगे आप, हम रेवेन्यू को, एसेट को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तीन चीज़ों को अलग अलग लेंगे। दिमाग में याद रखना है, रेवेन्यू को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को और एसेट को। अगर ये तीन लाइनें आपके दिमाग में हैं सेकेंडरी सेगमेंट के लिए, मोर देन एनफ, आपने आधी जीत पा ली, आपका डिस्क्लोज़र ख़त्म। करना क्या है मालूम है, रेवेन्यू सेगमेंट आप ले आए ज्योग्राफिकल वाइज, किसके वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज, लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से रेवेन्यू सेगमेंट ऑन कस्टमर बेसिस। बोलो ना, और ज्योग्राफिकल में केवल कस्टमर नहीं आता, ज्योग्राफिकल में एसेट भी आता है। रेवेन्यू सेगमेंट ऑन एसेट बेसिस। सर ये तो बात समझ में आ गई कि अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी है तो ज्योग्राफिकल दो तरह से होता है, रेवेन्यू सेगमेंट या तो कस्टमर के बेसिस पर होगा, रेवेन्यू सेगमेंट या एसेट्स के बेसिस पर होगा। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा, ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कस्टमर बेसिस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट बेसिस। ये चार पॉइंट तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। मैंने क्या बोला, रेवेन्यू सेगमेंट और एसेट सेगमेंट। जब हम ज्योग्राफिकल को सेकेंडरी लेते हैं तो ज्योग्राफिकल में दो चीज़ें, लोकेशन ऑन, लोकेशन ऑफ एसेट्स एंड लोकेशन ऑफ कंज्यूमर, लोकेशन ऑफ एसेट एंड लोकेशन ऑफ कंज्यूमर, लोकेशन ऑफ एसेट, लोकेशन ऑफ कंज्यूमर, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। अब बात करें हम बिजनेस सेगमेंट की, जब हम बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे तो सेकेंडरी तो मेरा बिजनेस सेगमेंट है, और अगर बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी है तो दो मिनट ढंग से सुनो, मालूम है आप बोर हो रहे होगे। अगर मेरा बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी है तो सेगमेंटल रिपोर्टिंग क्या दिखाते हो, सेगमेंटल रिपोर्टिंग दिखाते हो रेवेन्यू क्या हुई बिजनेस की, एसेट क्या है बिजनेस की, रिजल्ट क्या है बिजनेस का, ये तीन चीज़ें आप दिखाएंगे, चाहे अब वो रेवेन्यू हो, एसेट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ये तीन चीजें यहां पर भी, बिजनेस का रेवेन्यू सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से, एसेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ये आपका सेकेंडरी सेगमेंटल डिस्क्लोज़र है। मैं फिर से एक बार ढंग से बता देता हूँ, जब हमने प्राइमरी सेगमेंट को बांट दिया, प्राइमरी में मेरा ढंग से सोचना, प्राइमरी में मेरा बिजनेस सेगमेंट था और सेकेंडरी में मेरा ज्योग्राफिकल है। बिजनेस सेगमेंट में मैंने रेवेन्यू अलग कर लिया, बिजनेस सेगमेंट में मैंने एसेट अलग कर लिया, बिजनेस सेगमेंट में मैंने रिजल्ट अलग कर लिया, बिजनेस सेगमेंट में मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग कर लिया, लाइबिलिटीज़ अलग कर ली, डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश आइटम्स अलग कर लिए। ये 7 डिस्क्लोज़र दिखाए थे बिजनेस सेगमेंट में। तो अब सेकेंडरी में दिखाओ ना जियोग्राफिकल, सेकेंडरी में दिखाओ ना जियोग्राफिकल। और जियोग्राफिकल किस बेसिस पर दिखाओगे? मालूम है, या तो एसेट का लोकेशन होता है या तो कस्टमर का लोकेशन होता है। अब एसेट का लोकेशन और कस्टमर का लोकेशन या तो आप दिखा दो रेवेन्यू के हिसाब से या तो दिखा दो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात खत्म, क्लियर हुआ? अगर हमारा प्राइमरी ज्योग्राफिकल है तो 7 पॉइंट वहाँ पर हम ज्योग्राफी के हिसाब से दिखा दिए हैं। अब बिजनेस के हिसाब से आप ये 3 पॉइंट दिखाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट एंड रेवेन्यू। अगर आपने लोकेशन बदल दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलें। रेवेन्यू सेगमेंट, ये रेवेन्यू सेगमेंट था मेरा लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से। किसके हिसाब से? ये रेवेन्यू सेगमेंट था मेरा बिजनेस के हिसाब से, और किसमें? लोकेशन ऑफ कस्टमर में। और जब हम लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से ज्योग्राफिकल सेगमेंट में 7 पॉइंट लिख रहे थे तो उसमें मैंने लिखा था रेवेन्यू सेगमेंट। रेवेन्यू सेगमेंट पहला था, और पहला रेवेन्यू सेगमेंट वो किसके बेसिस पर होगा? लोकेशन ऑफ कस्टमर। क्या वो रेवेन्यू सेगमेंट एसेट के बेसिस पर था? नहीं, तो उसको यहां जोड़ लो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एसेट। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ हम ज्योग्राफिकल सेगमेंट को शो कर रहे थे, प्राइमरी था, हमने रेवेन्यू सेगमेंट दिखा दी थी एसेट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एसेट्स के। बिजनेस सेगमेंट मैंने दिखा दी, अच्छी बात है, लेकिन अगर अब मैं रेवेन्यू सेगमेंट दिखाता हूँ एसेट के लोकेशन के हिसाब से बिजनेस सेगमेंट की, तो फिर से यहाँ पर दिखा दें आप रेवेन्यू सेगमेंट क्या छूट गया। बिजनेस सेगमेंट में हमने रेवेन्यू सेगमेंट दिखाया था लोकेशन ऑफ एसेट्स के बेसिस पर। हाँ या ना, प्राइमरी क्या था? प्राइमरी क्या था? लोकेशन ऑफ एसेट। तो हमने बिजनेस सेगमेंट में रेवेन्यू सेगमेंट दिखाया था लोकेशन ऑफ एसेट्स को बेस लेकर के। अब हम यहीं पर दिखाएंगे रेवेन्यू सेगमेंट लोकेशन ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से। दैट्स इट। जब हम लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से प्राइमरी बना रहे हैं, जब हम लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से प्राइमरी सेगमेंट बना रहे हैं ज्योग्राफिकल का, तो रेवेन्यू सेगमेंट ऑलरेडी यहाँ पर लोकेशन ऑफ एसेट कस्टमर के बेसिस पर आ चुका है। लेकिन ज्योग्राफिक सेकेंडरी एलिमेंट, जो हमारा सेकेंडरी सेगमेंटल है, वो लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से बना है, न कि लोकेशन ऑफ एसेट्स के हिसाब से। तो बना दो उसको भी, ताकि ये कमी भी पूरी हो जाए। दैट्स इट। एक तरह से खाली जगह को भरने का काम किया गया है। नथिंग इज रिमाइंड इन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। कोई डाउट हो तो बोलो।